सिचुएशन दिस कुड बी अ इंटरनल सिचुएशन बट बात जस्ट उनके है तो ज़िगॉट की बात यहां पे सैंडविच स्प्रे देखिए कितना ज्यादा सर्कल के लिए बस आगे बढ़ना पड़ा इकोनॉक्स काफी ज्यादा ओपन में पे करने के पूरे चांसेस नॉक करेंगे टाइम शॉट के साथ उन्हें फिनिश करना चाह रहे थे लेकिन वो कवर फायर निंजा चार्ट की तरफ से हमें देखने को दौड़ लगाया जा चुका है बट क्या निंजा अलाउ करेंगे चलिए वो जो एंगल अभी देखिए तो गॉडलाइक के नियो की पोजीशनिंग काफी कमाल की थी लेकिन अब मुझे लगता है थोड़ी सी देरी हो सकती है काफी ज्यादा कमाल का था इनफैक्ट नॉक करने में कामयाब होते प्लेस को फिनिश भी यहां पे करने में कामयाबी प्राप्त होगी तो सी गॉड एक नॉक तो निकाले उसे फिनिश भी करती है दूसरे खिलाड़ी की तरफ पसंद करेंगे और मुझे लगता है ये नॉक निकल सकता है एक्जैक्टली क्योंकि इन्होंने कवर में रखे अपने आप को रोक के रखा रिलोडिंग का सीढ़ियों से आप ऊपर जाएंगे तो बड़े आराम से सॉल्टर आपको डाउन कर सकते हैं तो थोड़ा ध्यान से रखें जैसे यहाँ पे ग्रेनेड का साउंड सुने वहां पे पीछे हटे बट फाइनली ये ट्रैप देखिए एक खेल था यहाँ पे खेला गया जहाँ पे एक बार ग्रेनेड पिन आउट किए पीछे हटे और ओके द पैन इज ने वाले और ट्रायआउट्स किस तरीके से खिला रहे हैं मानो इस जगह का इनको बहुत अच्छे से अंदाजा है सरदार जी बट चलिए उसमें ज्यादा चर्चा नहीं करते हेल्थ को यहाँ पे बढ़िया दे रहे हैं रिकवर करते हैं नहीं नहीं मैंने कोई हिंट नहीं दिया मैं जस्ट बात कर रहा हूँ कि काफी अच्छे तरीके से जगह का इनको अंदाजा है और नियो भी दूसरी तरफ ग्रेनेड पिन आउट कर चुके हैं और शॉट को मुश्किल में डालेंगे दोनों की तरफ से ग्रेनेड के आदान प्रदान नियो यहाँ पे पहले नॉक हो जाएंगे और इसका फायदा क्या निंजा चार्ट उठा सकते हैं क्या उम्मीद की किरण अभी रहेगी 1v2 यहाँ से करना पॉसिबल हो सकता है क्या क्योंकि तीसरा सर्कल स्ट्रेंथ है रिवाइवल दे सकते हैं बट निंजा चार्ट यहाँ पे रुकेंगे धीरे से आगे जाएंगे पोजीशन पकड़ेंगे पीछे से जो खिलाड़ी आना चाह रहे हैं उनको आने नहीं दिया जाएगा इनफैक्ट जो पीछे से आ रहे थे पहले उस पर अटैक करने का फैसला किया गया बट सी गॉट 1v4 यहाँ पे करेंगे पूरी टीएसएम की टीम को अकेले यहाँ से बाहर करने के लिए इनफ